Morning friends, don't read success stories, you will get a messenger. Read failure stories, you will get some ideas to get success. Dr. APJ Abdul Kalam. Policy Daily Analysis में आप सभी का स्वागत है. आज है 23 नवंबर 2022. डॉलर इंडेक्स अभी है 107.12. जब ये आपका 14, 15, 16, 17 नवंबर को एक बेस आउट बनाने का सपोर्ट कंसोलिडेशन जोन बनाने का कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे हमारा ये आइडिया था क्या ये 108 के आसपास से रेजिस्टेंस लेगा या 109.50 से 109.75 जोन से रेजिस्टेंस लेगा. बट जहां पर से भी रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड सेलिंग जोन. तो यहाँ पे 108 लेवल से ये रेजिस्टेंस लेके अभी एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है. आज का एक इम्पोर्टेंट पार्शियली इम्पोर्टेंट इवेंट दैट इज द एफओएमसी मिनट्स. बेसिकली वहाँ पे जो लास्ट मीटिंग हुआ था उसका माइनी डिटेल्स हमें मिलेगा, तो वहां से भी थोड़ा बहुत हमें कुछ मार्केट परसेप्शंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स अभी है ये रेजिस्टेंस आपको ले रहा है, 108 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा है. दैट इज अ वेलकम स्टेट. व्हाई वेलकम स्टेट? कोई भी ट्रेंडेड हेल्दी ट्रेंडेड डायरेक्शन तभी होता है जब ये एक डायरेक्शन में मूव होता है, रिट्रेस करता है, कंसोलिडेट करता है एंड अगेन मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तभी जाके एक अच्छा हेल्दी मूव आता है. डॉलर भी अभी है 81.76. हमारा ये एक्सपेक्टेशंस है कि 81.80 से 82.00 एरिया पे क्या ये रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं है. यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस लेगा तो हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऐसे भी एज पर द ड्यूअल पीरियड बुलियन सेटअप ये एक सेलिंग सेटअप बन रहा है. जैसे ही इस जोन के नीचे आपका 81.5055 के नीचे hourly basis पे close दे देगा, we can go short for a target towards 8050. तो अभी तक ये बना नहीं है, we need to wait for that one. GBP dollar में अच्छा खासा consolidations हो रहा है, ये है अभी 1.1878 levels पे. ये consolidation zone के breakout होने के बाद ही एक अच्छा खासा हमें एक move दे सकता है. यहाँ पे अच्छा खासा बोले तो अपवर्ड डायरेक्शंस में अगर ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अपवर्ड मूव. लेकिन अगर नीचे की तरफ देता है तो देन इमीडिएट सपोर्ट में भी अराउंड 116.50 के आसपास होना चाहिए. सो यहाँ पे प्राइस एक्शंस पे थोड़ा सा टेकफुली हमें केयरफुली मॉनिटर करके एक रेंज के लिए इंतजार करना चाहिए. जीबीपी आईएनआर पे भी ये कंसोलिडेशन हो रहा है एंड we need to go for in a lower time frame to initiate look for some buying setup, क्योंकि यहाँ पे already ये higher low formations बना रहा है. Euro dollar पे अभी है आपका 1.0315. That being the case, यहाँ पे ये जो pull back हम इंतजार कर रहे थे, pull back के बाद एक कल एक अच्छा खासा retracements green candle बनाया हुआ है and उसके बाद भी फर्दर उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है. इट्स अ गुड सेटअप एनी शॉर्ट टर्म पे मींस लोअर टाइम फ्रेम पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ढूंढना चाहिए. यूरो आईएनआर पे भी आपका अच्छा खासा एक पुलबैक के बाद ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम इसको ढूंढ सकते हैं. डॉलर येन पे आपका है 141.41 अभी. यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया जहाँ पे हमने एंटिसिपेट किया था 142 आसपास. अभी ये नीचे की तरफ कितना तेजी से जाएगा या ग्रेजुअली जाएगा ये हमें लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के ऊपर ये हम इसको देख सकते हैं. ये नया पे आप देखोगे पुल बैक हम इंतजार कर रहे थे, पुल बैक के बाद अभी एक ग्रीन कैंडल जो कल बनाया हुआ है अभी लोअर टाइम फ्रेम में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. डॉलर कैंडी पे 1.3387 है, ये भी हमारा ये यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद 1.35 रिट्रेस करने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक अच्छा खासा सेल ऑफ है.
सेलफ में देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये दोबारा 1.3 to 2.5 से 1.3 to 5 जीरो की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे है। यहाँ पर भी आपका ड्यूअल पीरियड वोलेटाइलिटी सेटअप दिख रहा है ऑन डेली वर्सेस फोर आवरली टाइम फ्रेम में। पॉसिबल अभी अभी ये 0.6636 यहाँ पे अच्छा खासा एक आपका पुल बैक के बाद एक ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन ये ऊपर के जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें बायर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑन लोअर टाइम फ्रेम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर सीएन 7.1448 यहाँ पे जैसे कोविड रिलेटेड जो न्यूज आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा सीएनएच वीक हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर्स, तो अभी इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज एट 7.1850 से 7.19 के आसपास। यहाँ से हमें देखना है कि क्या इसको रेजिस्टेंस के हिसाब से ले रहा है या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। बेसिकली ये आपका कोविड रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है चाइना इकोनॉमी पे वो हमें देखना है। अगर बहुत ही खराब इकोनॉमी इम्पैक्ट आने वाला है देन ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, एल्स यहाँ पे रेस्पेक्ट लेके नीचे की तरफ आ सकता है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। यूके ऑयल आपका परसों एक अच्छा खासा पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार बनाने के बाद फिर कल ड्यूरिंग द मींस ट्रेडिंग आवर्स ये ऊपर में जा गया था लेकिन ऊपर की तरफ ये सस्टेन कर नहीं पाया। दैट मीन द केस अभी थोड़ा सा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए 84-85 के एरिया में अगर आता है इन कमिंग डेज। वेस्ट इंडिया ट्रेजरी अभी है आपका 3.7586 दैट मींस द केस यही पुल बैक के बाद एक नीचे के तरफ रिट्रेसमेंट अभी हमें इंतजार करना है इसके लो के नीचे ब्रेक करने का। ये जो स्विंग लो है दैट इज 3.67 इसके नीचे जैसे ही ब्रेक देगा फिर ये लोअर है लोअर लो का मींस एक ट्रेंडेड मूव के आसपास आपको जा सकता है। जैसे ही मींस यहां पे बेसिकली ये ट्रेंडेड मूव में हमें पुल बैक पे ही शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा। तो ये करेंसी डेली एनालिसिस एंड ओवरव्यू व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इसका एक जस्ट एक एक्सप्रेशन से। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन सच ए केस लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड विश यू विश यू अ ग्रेट डे।